सार्वजनिक स्थानों पर जाम छलकाने वालों के खिलाफ पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। तुन पुलिस शहर के अलग अलग हिस्सों में अभियान चलाकर जाम छलकाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। अब तक 1800 से ज्यादा चालान किए गए हैं, जिसमें 5 लाख से ज्यादा धनराशि अब तक वसूली गई है। SSP देहरादून अजय सिंह ने तमाम चौकी प्रभारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा गया है कि जाम छलकाने वालों के साथ ही शरारती तत्वों पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि दून शहर का माहौल खराब ना हो। इसके साथ ही लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर भी अंकुश लग सके। कि ये जो सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने की शिकायत है, क्योंकि आमजन जो उन रास्तों से जाते हैं, खासकर कभी टूरिस्ट जो बाहर से आते हैं उनकी शिकायत रहती है, लोकल लोग की भी रहती है कि कुछ ऐसे स्थान है चिन्हित जहाँ पर लोग गाड़ियों में बैठकर या खुले स्थान पर शराब या मदिरा सेवन करते हैं, और जिससे आमजनों को भी असुविधा होती है। खास ही खास इसमें कोई झगड़े होने की संभावना भी रहती है, टोका टोकी में हॉट टॉक्स भी होती है, जिसको देखते हुए लगातार ऐसे इलाकों में जो शहर के आउटर इलाके हैं जहाँ पर ऐसी शिकायतें थी, लगातार अभियान हमारा चल रहा है। और अभी हमने जो इस अभियान के तहत 1894 लोग का इसमें चालान किया, 5,85,000 रुपये का जुर्माना भी लगा है, तो देखा जाए तो इस तरह सार्वजनिक स्थानों पर मर्यादा भंग करना, चाहे ऐसे टूरिस्ट स्पॉट जहाँ पर धार्मिक स्थलों की मर्यादा भंग करना, तो इसको देखते हुए अभियान चल रहा है और ये आगे भी निरंतर जारी रहेगा। कि ये जो सार्वजनिक स्थानों पर